व्यूवर्स मैं वकार अली एडवोकेट और आज की इस वीडियो में हम आगाज़ कर रहे हैं एम सी क्यूज़ जो हैं कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के एंड व्यूवर्स ये जो एम सी क्यूज़ हैं ये मैंने मुख्तलि किताबों से वेबसाइट से इकट्ठे किए हैं तो मेरी कोशिश ये है कि इन्हें एक जगह पर जमा कर दिया जाए तो व्यूवर्स आइए देखते MCQs हैं एम सी क्यूज़ हैं एम सी क्यू नंबर वन है हमारे पास द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वन एट नाइन एट इनेक्टेड ऑन ये है बाईस मार्च एटीन नाइन्टी एट को ये इनेक्ट या पास हुआ था एम सी क्यू नंबर टू है हमारे पास द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वन एट नाइन एट सेक्शंस तो ये फाइव सिक्सटी फाइव सेक्शंस हैं टोटल इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एम सी क्यू नंबर थ्री है द सी आर पी सी वन एट नाइन एट कंटेंस डैश स्कैजल्स तो इसमें पांच स्कैजल्स हैं करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एम सी क्यू नंबर फोर है हमारे पास सी आर पी सी वन एट नाइन एट इज ए डैश लॉ तो ये प्रोसीजरल लॉ है करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सी आर पी सी इज़ टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस टू फेसिलिटेट ऑफेंडर टू फेसिलिटेट प्रोसीक्यूशन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है टू फेसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एम सी क्यू नंबर सिक्स है हमारे पास द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वॉज इनफोर्सड ऑन दस्ट डे ऑफ ये जुलाई वन एट नाइन एट है करैक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दी आर पी सी डिवाइडस ऑफेंस इन डैश काइंड ये टू काइंड ऑफेंसेस को डिवाइड करता है यानी वो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में तो एम सी क्यू नंबर एट है हमारे पास एन ऑफेंस इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड टू अक्यूज्ड एज ऑफ राइट इज कॉल्ड बेलेबल ऑफेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है एम सी क्यू नंबर नाइन है हमारे पास एनोफेंशन बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू एन अकूज एज ऑफ राइट आर कॉल्ड नॉन बेलेबल ऑफेंसिस करैक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है एन ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड स्कैजुअल और अंडर एनी अदर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट इज़ कॉल्ड ए कोगनीजेबल ऑफेंस ऑप्शन ऑप्शन इज ऑप्शन ए नॉन कोगनीबल ऑफेंसिज एंड ऑफेंस इन विच ए पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट एनी परसन विदआउट वारंट करैक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है द एलिगेशन मेड औरली और इन राइटिंग टू ए मेजिस्ट्रेट विद ए टू टेक एक्शन विद ए व्यू टू टेक एक्शन अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रिगार्डिंग एन ऑफेंस इज़ कॉल्ड ए कंप्लेंट करैक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सेक्शन फोर के जो है डिफाइंस वो इंक्वायरी को डिफाइन करता है करैक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर के सी आर पी सी इनक्वायरी मीनस ए प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट करैक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू सैक्शन फोर आई सी आर पी सी इन्वेस्टिगेशन मीनस ए प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर ये करैक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है एम सी क्यू नंबर सिक्सटीन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर एम सी आर पी सी द प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज़ और मे बी लीगली टेकन ऑन ऑथ इज़ कॉल्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इज कॉल्ड एन ऑफेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है द टर्म पुलिस स्टेशन इज डिफाइंड इन सब सेक्शन डैश ऑफ सेक्शन फोर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है एस में फोर एस में पुलिस स्टेशन को डिफाइन किया गया है एम सी क्यू नंबर नाइनटीन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीनस ए परसन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी है अकॉर्डिंग टू सी आर पी सी क्रिमिनल कोर्ट्स हैज डैश क्लासेज तो टू टाइप्स ऑफ क्लासेज हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी वन है डैश इज़ द हेड कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग एट प्रोविंशियल लेवल ये हाई कोर्ट है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी टू है डैश इज द प्रिजाइडिंग कोर्ट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट ये सेशन कोर्ट है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी थ्री है सेक्शन नाइन सी आर पी सी एम्पावर्स डैश विद पावर ऑफ इस्टेबलिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन जज एंड असिस्टेंट से जजिज तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है करैक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी फोर है सेक्शन फोरटीन सी आर पी सी डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मैजिस्ट्रेट है ये करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी है सेक्शन फिफ्टीन ऑफ सी आर पी सी डील्स विद बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है सेक्शन फिफ्टीन एम्पावर डैश टू पास डायरेक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स तो ये करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है जी बूबर ये करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी सेवन है ए जज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन ट्वेंटी टू सी आर पी सी इज कॉल्ड ए जस्टिस ऑफ पीस है एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी एट है जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंटेड अंडर सेक्शन ट्वेंटी टू सी आर पी सी बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन जॉयज इज पावर एज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर करैक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी वन है ट्वेंटी नाइन है मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर थर्टी सी आर पी सी इन्जॉयज़ आल पावर्स एक्सेप्ट ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ है मतलब जो मैजस्ट्रेट जो दफ़ातीस का होता है ये उसकी जो है पावर के हवाले से बताया गया है एम सी क्यू नंबर थर्टी एंड लास्ट एम सी क्यू ऑफ दिस वीडियो इज दैट कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन पास ये जो फर्स्ट क्लास का होता है ये थ्री ईयर्स के लिए कर सकता है करैक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तो व्यूवर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इसी के ही मजीद आ गए थी सैम सी क्यूज़ के साथ हाज़िर होंगे व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज़ को लाइक करें एंड तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़